अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज शेयर कर रही हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और तो बैंगन के भरते के लिए हमने करना क्या है जी, गैस पे इसको सेकना है बैंगन को, और इसको एक किस्म का आपने जला लेना है बाहर से, सारे रोस्ट करना है इसको, और अंदर से ये स्टीम से पक जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा फोक लिया है, उसको इस तरह बैंगन के अंदर लगा लिया है, और इसको ऐसे मैं पकड़ के आग पे सेकूंगी और इसको रोस्ट करूंगी। ये देखिए बैंगन अब जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको मैंने हर तरफ से जला लिया है, किस्म पर रोस्ट हो गया है। तो ये अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरह अब मैं दूसरा भी कर लूँगी। रोस्ट होके इनकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसका ऊपर का सारा छिलका उतार देंगे, और अंदर से इसका जो रोस्ट किया हुआ हमारा बैंगन है उसको निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले ये वाला काम कर लेते हैं। छिलका उतारने के बाद हमने नाइफ़ की मदद से इसको सारे स्टीम किए हुए बैंगन को कट कर लेना एकदम। इसको हमने मैश जैसे करते हैं वैसे हम इसको कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह पहले छुरी की मदद से इसको अंदर से बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गया है। इसको कट करने के बाद पोटैटो मैशर की मदद से हम इसको इस तरह से मैश कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी रोस्ट होने के बाद। और अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं, और मसाला तैयार करके इसको उसमें डालेंगे। इसके लिए हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज ज़रा ज़्यादा डाल देंगे, जैसे ही प्याज अपना थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने पहले से बना कर रखा है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक टमाटर, फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि ये जल ना जाए हमारा मसाला। और अब हम इसमें अपनी स्पाइसी ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसमें मैंने दो बड़े साइज के प्याज डाले हैं, सूख मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए इसमें मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे।
अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने सिर्फ इसको दो हिस्सों में काट कर डाल दिया, आप चाहे तो छोटी काट कर डाल दें जिस तरह आपको पसंद हो। अब ये मसाला हमारा तैयार है, अब इसमें हम डाल देंगे अपना रेडी किया हुआ बैंगन जिसको हमने मैश कर लिया था। इसको दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे, ये ऑलरेडी पका हुआ ही है तो इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, तो इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। और इसको ढककर हम तकरीबन एक से दो मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पे इसको रखेंगे, सिर्फ एक दो मिनट के लिए। तो अब तकरीबन एक से दो मिनट हो गए, हम फ्लेम बंद कर देंगे। और ये देखें जी, हमारा डिलीशियस सा बैंगन का भरता तैयार है। मस्ट ट्राई रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।